चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहेगा कि a प्लस बी एस टू अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी। कैसे निकालोगे आप जल्दी से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, a प्लस बी बटा में अंडर रूट ए बी है, ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पर 4/1 है, मुझे ए बी का मान चाहिए, ठीक है दोस्तों। पूरी अप्रोच मेरी होगी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा। हमें निकालना दोस्तों ए बी निकालना है, ठीक है मेरे भाई। हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर 4 है तो मैंने यहाँ पर 2 × 2 कर सकता हूँ, उस 2 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये जो ऊपर जाएगा तो a प्लस बी प्लस 2√ab और ये a प्लस बी माइनस 2√ab, ये सी एन डी का आपने नाम सुना होगा। सी एन डी बोले तो क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2+1 3 और 2 − 1 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। जब यहाँ पर आप लिखते हैं इस प्रकार से, तो आप इसे के जगह पर आप ए बी डायरेक्ट लिख सकते थे कि रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपली आप ये कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार से 3/1 यहाँ पर, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यह रूट कहाँ लग जाएगा, रूट थ्री बाई में वन आ जाएगा। तो फिर से सी एन डी लगाना पड़ेगा। देखो सेम चीज़ आपको ऐड हो रहा है और सेम चीज़ आपका माइनस कर रहा है, तो आप क्या क्या लिखना चाहिए, रूट ए बाई में रूट बी लिखिए, और रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, और रूट थ्री माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यह बन जाएगा हमारे पास क्या कि अगर मैं रूट निकालता हूँ तो मुझे स्क्वायर, मुझे चूंकि ए प्लस सॉरी ए टू बी निकालनी है, क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, ए बी सीधे लिखेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे, तो यह बन जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर 3 और 1 4 + 2√3, और ये हमारे पास बनेगा 4 − 2√3 सिंपली। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 + √3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 − √3 हो जाएगा, यह और यह कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए इज टू बी का रेशियो क्या निकलेगा, 2+√3/2 − √3, 2+√3/2 − √3, यही आंसर हमारा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर आपको सी एन डी लगाना था, और सी एन डी लगाने के बाद आंसर लाने का प्रयास करना था, और सी एन डी अगर आप लगाते, सी एन डी मतलब क्या होता क्या है कि देखो जी, अगर आपके पास m बाई एन का मान मान लीजिए 3/2 है, तो इसका कहता है कि m बाई एन में क्या करना दोस्तों, कि m में n को ऐड करो और m में ही n को माइनस करो, 3+2 5 हो जाएगा, 3 − 2 1 हो जाएगा, यह आपका कहता है सी एन डी का, वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, एक बार फटाफट इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना, वेरी गुड। ये जो मेनली हम लोग बात करेंगे, जैसे सीजीएल को पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जल्दी आप बनाएंगे, ये हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में फटाफट क्वेश्चन करने का प्रयास मैं करूंगा, और आप इसे समझते जाना, नोट करते चलना, आप कोई बातचीत नहीं, सिंपली सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब रखनी है, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, चूँकि आपका भी टाइम महत्वपूर्ण आपके लिए और मेरा भी समय, तो मैं आपको स्पेशली बात करूँगा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या रहा है कि इनमें से कौन बड़ा है, बड़ा मतलब क्या, ग्रेटर है। ए में दिया दोस्तों यहाँ पर क्या कि √5 + √3 और यहाँ पर √6 + √2, ये दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा साइज को और बड़ा कर लेता हूँ, शायद आपको कम दिखे, √5 + √3 और बड़ा है दोस्तों √6 + √2, ये है, ठीक है। बी में देखिएगा √5 + √3 और यह हो जाएगा √6 + √2। सी में क्या कर रहा है दोस्तों, √5 + √3 = √6 + √2 और डी में है मेरे भाई √5 + √3 और यह है दोस्तों √6 + √2 = 1। दोस्तों यहाँ पर पूछता है क्या कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, तो बड़ा है में क्या करते हैं जल्दी से, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 × 3 = 8, 6 × 2 = 8, सब बराबर होगा, 6 × 2 = 8, 5 × 3 = 8, सब बराबर है। तो उस केस में कुछ मत कीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12, इधर से 15 आ रहा है, इधर से 12 आ रहा है, बड़ा कौन है, 15, आंसर यही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। समय नहीं था, सिर्फ जो समय लगा क्वेश्चन लिखने में, बाकी आपका समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखिएगा ध्यान से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पर फटाफट समझिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन या 3rd नंबर जो भी क्वेश्चन होगा देख लीजिएगा हमसे। एफ यू एन, यह है 1/n − 1/n+1, यह कह रहा है, पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड करें u1 u2 u3 u4 u5,
यू फाइव तक पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लो अगर हम आप वन रखते हैं तो वन और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा टू, मतलब वन एंड वन माइनस टू। फिर अगर टू रखते हैं तो वन टू वन बाई टू और यहाँ पर थ्री आ जाएगा। सिंपली एक बढ़ के रखना आपका वैल्यू को, उस प्रकार से वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, वन बाई फोर माइनस वन फाइव, वन बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स। क्योंकि अगर आप पाँच रखते हैं तो यहाँ पर पाँच अब एक छः रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो क्या करेंगे फटाफट इसको ले देना, देन माइनस प्लस कट जाएगा मेरे भाई। बचा क्या हमारे पास, एक माइनस एक बटा छः, छः का छः माइनस एक पाँच बटा छः, इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको देख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, टाइम नहीं है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर कीजिए फटाफट। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप उसे नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा नेक्स्ट करते चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू मतलब क्या, यह बोल रहा है कि रूट सिक्स प्लस रूट टेन माइनस रूट ट्वेंटी वन इस प्रकार से है, और माइनस रूट थर्टी फाइव। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से इसको गुना करने बोल रहा है, इसको गुना करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है और ये बताना है इसका वैल्यू क्या ला रहे हैं आप, रूट ट्वेंटी वन और यहाँ पर माइनस रूट थर्टी फाइव, कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन तेरह है, तेरह है, बारह है, ग्यारह है और दस है, कुछ इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको मिलेंगे दोस्तों। जब भी ऐसे प्रश्न हो और आपको बोले कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब इसको सरलीकरण करना, मतलब इसको गुना करके आपको छोटा से फॉर्म मिलाना है और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको देना है। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास है। तो कैसे करोगे सबसे पहले, तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले एक कोशिश ये करनी चाहिए कि दो पेयर ऐसा बनाओ जिसको गुना करने के बाद इक्वेट हो, इक्वल वैल्यू दिखना चाहिए। मैं देखूँ यहाँ पर क्या कि इक्कीस दहाँ 210 और 6 गुने कर 35 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 210 आएगा। सिर्फ इसी प्रकार से 21 गुने 10 210 और मैं इसको गुना करूँ तो यह भी आपका 210 ही आएगा, मतलब 35 इंटू 6 करोगे 210 आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि देखो रूट सिक्स प्लस सॉरी रूट सिक्स माइनस रूट थर्टी फाइव को लेंगे पहले, सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे दोस्तों हम लोग प्लस में रूट टेन माइनस रूट ट्वेंटी वन को, और इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट में हम यहाँ पर रख देंगे। इससे हम यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों हम लोग क्या कि रूट सिक्स माइनस रूट थर्टी फाइव ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट टेन माइनस रूट ट्वेंटी वन। क्यों होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि 10 और 21 अगर मैं गुना करता हूँ 210 होगा, इसको मैं गुना करता हूँ इतना आएगा 210 आएगा। ध्यान रखना कि मैं माइनस इसलिए लिया हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसी प्रकार से आप ये समझना कि ये हमारे लिए a बन गया और ये हमारे लिए b बन गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b बन गया। आपको क्या करना है, a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, रूल क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों आपको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे करेंगे, रूट सिक्स माइनस रूट थर्टी फाइव ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी रूट टेन माइनस रूट ट्वेंटी वन का स्क्वायर यह करना था। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा बाबू यहाँ पर कि अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ तो 6 और 35 यानी कि कितना हो जाएगा, 41 माइनस टू रूट 210 लिखना पड़ेगा। सिम इसी प्रकार से अगर मैं यह लिखता हूँ दोस्तों तो यह आ जाएगा आपका रूट 10 और रूट 21 का स्क्वायरिंग करेंगे जोड़ेंगे तो आपका लास्ट में 21 और 10 31 बनेगा। मैंने यहाँ पर 31 कर दिया और माइनस माइनस प्लस 200 रूट यह कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों यह और यह वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 41 माइनस 31 कितना बनेगा, 10 10 जो मैंने ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा वो आपका आंसर रहा होगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड, आप देख पा रहे होंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट भेजने का, तो आप भी कोशिश करना थोड़ा सा ज़्यादा समझने का। चले आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा आइए गौर करते हम लोग। जैसे सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे जो मुझे लगता है कि यहाँ में क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ में आया प्रश्न है, मैं उसी को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, यह क्या कह रहा है कि बाबू यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं लेता हूँ, क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा नंबर देख लीजिएगा, एफ एक्स बाई वाई इजकल टू 4/5। आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात करें, फाइंड 4/7 और यहाँ पर दिया है 2y-6 और 2y+6, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए में 3/7, बी में
एक पूर्णांक 1/7 सी में एक और डी में आपको दिखाई दे रहा, तो यह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे बनाओगे आप? कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो 4/7 है, आप लिख दो 4/7, ठीक है दोस्तों। अब देखो y का मान, तो 5 दुनी के 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 5 दुनी के 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको बराबर कर लो आप, तो 7 दुनी के 14, तो 4 दुनी के 8 हो जाएगा, 8 6 14 बटे 14 कट के कितना आ जाएगा 1। आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। टाइम बिल्कुल कम है दोस्तों, सिर्फ आपको नोट करते चलना, आगे बढ़ते चलना। मैं इसको मिटा दूं दोस्तों फटाफट, देखिए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, आप वीडियो को थोड़ा सा समझना और इसको नोट करने का प्रयास करना, साथ ही साथ इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना अगर आप थोड़ा सा सेंसर बच्चा हो तो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, हाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ ए का मान दिखाई दे रहा होगा √2+1, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ए इजकल टू √2+1 हो जाएगा और बी इजकल टू √2-1 है, यह कह रहा है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड करना है मेरे भाई 1/a+1 और माइनस में 1/b+1, इसके बारे में आपको पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है। मैं इसका ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 0, बी में दिखाई देगा 1, सी में दिखाई देगा 1-√2 और डी में दिखाई देगा आपका √2-1। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगे दोस्तों। देखो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। कैसे बनाओगे जल्दी समझना यहाँ पर, देखो जी यह है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या पाएंगे, ए बी बी ए और बी और वन आएगा, एलसीएम निकालेंगे तब। क्यों? क्योंकि दोनों को गुना करना पड़ेगा, इसमें तो कॉमन है नहीं कुछ, ए से बी में, ए से वन में, बी से वन में, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों, ये हमारा होगा b+1, यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो ये a-1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह और यह कैंसिल आउट, हमारे बस बचेगा b-a। दोस्तों ए बी का मान पूछो कितना आएगा, तो ए बी मतलब क्या, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, गुना करना मतलब a+b का और a-b का, अर्थात a²-b² बनेगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2-1 मतलब 1। आप सिंपली यहाँ पर 1 पुट करेंगे, a है कितना हमारे पास दोस्तों √2+1, b कितना है √2-1, इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है बीच में, देख लो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर यह कट जाएगा √2 एंड √2 क्या बनेगा दोस्तों, √2 बनेगा मेरे भाई, और यह बन जाएगा हमारा 1। आप यहाँ पर बस थोड़ा सा कोशिश करने की शॉर्ट में लाने का प्रयास करना, पूरा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर b का मान हमारे पास कितना है √2-1, √2-1 कर लीजिएगा, यह हो जाएगा, और a का मान हमारे पास कितना है √2+1, लेकिन यह बन जाएगा -1, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो यह √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह -2 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिएगा √2+2 हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक बात बताना, अगर ये -2 हो गया और इन दोनों को मैं कॉमन निकालता हूँ, तुम्हारे पास बनेगा √2+1 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये और ये कट जाएगा। आपने बचपन क्लास में पढ़ा होगा 5, 6, 7 क्लास में फर्मीकरण है ना, उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों इस्तेमाल करने मतलब क्या, √2-1 से गुना करना और √2-1 से गुना करना, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगा दोस्तों वह क्या होगा, तो ऊपर में बनेगा −√2-1 का, और नीचे क्या बनेगा a+b × -b, अर्थात a²-b² √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2-1 मतलब 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, −± हो जाएगा दोस्तों 1, और −± मतलब 1-√2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों आज मैंने सिर्फ फर्स्ट वीडियो के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया हो, अगर यह वीडियो आपको समझ में आती है तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में जाने के बाद सजेशन मुझे जरूर दें, और इस प्रकार से और वीडियो अगर चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए या कम टाइमिंग वाला वीडियोस आपको मिलते रहे और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो, तो दोस्तों आप मेंशन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच टॉल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।